बाकी पॉन स्टार्स में क्या रेपुटेशन है, मेरे को इस तरह से माना जाता है इंडियन और चाइनीज लड़कों के छोटे होते हैं यूजली, ऐसा एक परसेप्शन माना जाता है. इफ यू लुक एट द एवरेज लाइक डिक साइज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स लाइक अ ह्यूज स्टीरियोटाइप, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज. सो लाइक व्हाट इज द परसेप्शन लाइक इन अदर पॉन स्टार्स की, भाई ये इंडियन पॉन स्टार है निक, क्या वो मतलब स्टीरियोटाइप्स फेंकते हैं तुम्हारे पे? और लाइक जो मैंने यूट्यूब वीडियोज देखी थी, जो पॉन नहीं देखी बट यूट्यूब देखी थी, उसके ऊपर कुछ कुछ लड़कियों ने थोड़े थोड़े इंडियन कपड़े भी पहन रखे थे, तो लाइक ये क्या लाइक वो सब गेटअप वगैरह है, तो क्या सीन है? नहीं एक्चुअली दिस अ गुड क्वेश्चन बिकॉज मेरा स्टीरियोटाइप ऐसा है कि द गर्ल्स हु इंट्रोड्यूस मी टू अदर गर्ल्स वो ऐसे बात करती हैं, वो निक्स इंडियन बिग डिक, वो द वन विद द बिग डिक, बिकॉज आई टेल यू लाइक आई मीन अगेन इट्स अ गिफ्ट, बट आई कांट बिलीव आई एम हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू. आई एम नॉट सेइंग आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज इट्स अ गिफ्ट आफ्टर ऑल, बट लाइक माय साइज इज बिगर देन मोस्ट यूरोपियन मेंस साइज, सो Like I loved it. In fact, last year, क्योंकि मैं सारी लड़कियों को जिनसे भी एक के साथ shoot किया तो उससे पूछता हूँ यार कोई तुम्हारी friend है उससे introduce करा दो, ठीक है? तो वो introduce कराती है तो वो आती है Nick's Indian is the big dick. तो ऐसा कई बार मैंने सुना कि लोगों ने वैसे किया, तो मेरे लिए तो अच्छा है. But like कैसे, how are you received? Like porn stars आपस में बैठ के क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं, बोलते हैं यार आज की चुदाई हो गई, चलो चलते हैं घर, क्या मतलब क्या सीन है? Well, again, उसमें like I offer everybody to come for dinner and all, ठीक है? और कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है. I mean, people have their own priorities, लोगों को काम करके निकलना होता है. तो I have had few chances जिसमें लोग रुक गए मेरे साथ कि चलो आज रुक जाते हैं, फिर हम थोड़ी सी ऑफ कैमरा भी मस्ती कर लेते हैं. But mostly it's not like that. Mostly it's like कि काम खत्म हुआ अपना, thank you, bye bye, and जितनी देर काम चल रहा है उतनी देर मस्ती कर लो, उतनी देर में ब्रेक टाइम पे मस्ती कर लो, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन वी एंजॉय. इफ वी हैव अ गुड कनेक्शन, अगर अच्छा केमिस्ट्री हो गया है तो ब्रेक टाइम पे भी एंजॉय अलॉट, दैट इज द टाइम. एंड आई डोंट मेक एनी अप्रोचेस, इफ आई सी दैट पीपल आर कंफर्टेबल, लड़की कंफर्टेबल है, तो दैट इज द टाइम व्हेन आई एंजॉय. आफ्टर शूट खत्म हो गया फिर आप जाओ अपने घर, मैं तो वहीं पे हूँ जिसमें शूट कर रहा हूँ. पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें.